वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों बता देते हैं सब इंजीनियर एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक न्यूज़ के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं सब इंजीनियर के लिए जो ऑब्जर्वर रहते हैं उसकी नियुक्ति कर दी जा रही है, तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पेपर है वो निश्चित तय समय सीमा पर होना है और 9 शहर इसके लिए सेलेक्ट किए गए हैं। इसमें से भोपाल है, जबलपुर, सागर, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर, रतलाम, खंडवा और रीवा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कलेक्ट्रेट में पहुँचा गया एक लेटर है। एक सामान्य से प्रक्रिया होती है किसी भी जो एग्जामिनेशन होते हैं उसके ऑब्जर्वर नियुक्त करने के लिए, तो ये पहले से ही कर्मचारी चयन बोर्ड यानी व्यापम द्वारा की जा रही एक प्रक्रिया चालू की गई है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 6 नवंबर को जो पेपर है हमारा वो अब होने को है। और वहीं जो भी पेपर होने को हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं आज एक एडमिट कार्ड आया था ग्रुप 1 SB यानी सब ग्रुप 1 का, क्योंकि उद्यानिकी से रिलेटेड था, उसके भी एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें अनुरोध किया गया है कि न्यूनतम 500 जो अभ्यर्थी हैं तो कम से कम 2 ऑब्जर्वर इस प्रकार से नियुक्त किए जाएं, 500 से अधिक होने पर 250 में एक ऑब्जर्वर नियुक्त किया जाए, इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। वहीं पर आप देख सकते हैं कि परीक्षा केंद्रों में जो कि 6 केंद्र हैं वहाँ पर उड़न दस्ते भी गठित किए जाएंगे। इसके अलावा कुछ प्रशासनिक ऑब्जर्वर होते हैं जिसमें वहाँ के SDM तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी एक ऑब्जर्वर का रोल निकालते हैं। यार अगर आपने MPPSC की परीक्षा भी दी होगी तो वहाँ पर उस जिले के लेवल के आपके DC या डिप्टी कलेक्टर लेवल के जो ऑफिसर्स हैं वो भी एक प्रशासनिक ऑब्जर्वर की तरह भूमिका निभाते हैं। तो इसी प्रकार की ये जो काम है इसमें अब लग चुके हैं लोग, तो आप देख सकते हैं। तो ये थी पूरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू MP सब इंजीनियर एग्जामिनेशन। तो अपनी तैयारियों में लगे रहिए, आप सभी को ऑल द बेस्ट। Hey channel, welcome to my guys. Hey welcome channel to my guys. Hey guys. Channel to my welcome. Hey,